चुन के सॉन्ग सिलेक्शन करके सुरेंद्र कौर नूं बनान वाले एक्चुअली मेरे दारजी माय ग्रैंडफादर प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढ़ी ओ सन। ते जिथे नानी मां नूं सपोर्ट मिलिया दारजी दा, मामा नूं सपोर्ट मिलिया पापा दा, एक फौजी होने के नाते लगता सी बड़े रोग वाली फैमिली है। ही इज फिफ्थ जनरेशन फौजी। डैड मेरे दादा जी परदादा जी उन्होंने तो दो जनरेशन उत्ते सारे फौजी घर के फोटो लगिया हुई ने, सारे फौजी ने, पर सारे बड़े म्यूजिकल फौजी ने बड़े म्यूजिक नो पसंद करन वाले। तुसी मनोगे कर दिया पार्टीज दे विच अंकल अमरजीत एंड कुकू आंटी बैठे ने, पापा ते मैं रल के ज़्यादा गीत गाए दे ने असी, पापा तलत महमूद दे गीत ते के एल सैगल दे गीत ते पुराने गीत ते फिल्मा दे पुराने पंजाबी फिल्मा दे गीत, और डैड बहुत गाँवते हैं। मम्मा नूं मौका घट मिलता जो सारे घर के फंक्शन होंगे तो कोई यह सोचे कि घर का फंक्शन है तो उत्थे दे डॉली प्रधान होएगी। नो होए, डॉली इज नॉट प्रधान दैट टाइम, इज कर्नल गुलेरिया स्टीलिंग ऑल द लाइमलाइट। जगजीत सिंह, जगजीत तो इन्ने फ्रेंडली हगे सन पापा के नाल कि कई बार शो तो पहला अपने कमरे च बुला के तो डैड के नाल ग्लास चीयर्स भी उन्होंने कर लेना कि हाले स्टेज पर जाने में थोड़ा टाइम है करो साहब, आओ जरा थोड़ी दो चार म्यूजिकल गल करिए। सो मैं दसना चाहती हाँ कि जिस तरह मॉम नो डैड द सपोर्ट मिलिया, मैं आई एम वेरी लकी कि मेरे शर्मा साहब भी बड़े म्यूजिकल ने, वो भी म्यूजिक चंगा म्यूजिक पसंद करते हैं। यह जरूर है कि साढ़े रिस्पेक्टिव हसबेंड्स क्रिटिकल बड़े ने हर चीज़ के, जो भी असी कोई नवा प्रोजेक्ट इन्हों के सामने पेश करने वो ते बड़ा क्रिटिसिजम पहला घर के चलता है जी, बड़े पहला वो प्लस माइनस वो बारे डिस्कशनस चलदिया ने, फिर तुम इस तरह करना चाहिए, तुम इस तरह करना चाहिए। मम्मा को हमने लेटली मेरे ख्याल पिछले महीने महीने के कोई 5-10 कंपनीज आ बैठी ने जेडे मम्मा रिक्वेस्ट कर रही है कि पुराने गीतों के पॉप म्यूजिक का ट्रीटमेंट दे के तो उन्होंने तुम करो, तो वो असी सारे सब तो पहला पापा का फीडबैक, मेरे हसबेंड का फीडबैक, मेरे ब्रदर्स का फीडबैक, सारे बैठ के जी बड़ी बोर्ड रूम डिस्कशन चलती पी है कि की करना है किवें करना है। तो मम्मा नो सारे ने यही कहा कि मम्मा जो तुसी कर रहे हो म्यूजिक ट्रीटमेंट ठीक है, म्यूजिक ट्रीटमेंट अज के हिसाब नाल जे बच्चे सुनते ने जे यही सुनते ने तो उन्होंने जरूर यही ट्रीटमेंट दो, बट तुसी अपने लिरिक्स नो ते अपने बोलना ते कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, बिकॉज वो जिहड़ियां चीज़ां ने वो अमर रहन वालियां चीज़ां ने, उन्होंने नहीं असी डिस्टॉर्ट कर सकते। सो कदे भी असी वो ट्यून्स नू जिहड़ियां साडे दिलां च वसियां होईयां ने, जिहड़े बोल साडे अंदर वसे हुए ने, उन्होंने नहीं असी चेंज करना ना करन देना है जिथे तक साडा जोर चलता है। अगे कंपनीज वाले की करते हैं, किस तरह करते हैं, कमर्शलाइज किवें करते हैं, दैट इज़ अप टू दैम। मैं आई थिंक मैं रूपाल वीर जी पूछांगी कि जे मम्मा नू स्टेज पर इनवाइट करना तो पहला मैं एक बार बैंड नू इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहवागी, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की वारी कदे भी नहीं आती। तो मैं दसना चाहवागी कि सारे ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स तो साडे नाल जुड़े हुए ने, मेरे ब्याह तो पहला दे म्यूजिशियंस भी हैगे ने साडे नाल, सारे वीर साडे नाल इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते ने, असी USA कैनेडा दुबई जिथे जिथे भी असी गए हाँ, जिथे जिथे असी परफॉर्म किया सारे सारे साडे नाल गए ने। सुरिंदर ऑन द गिटार, सोनू बोला ऑन द कीबोर्ड, रमेश जी ऑन द ऑक्टोपैड, बिंटा सर ऑन द ढोलक, एंड धर्मपाल जी ऑन द ढोलक अगेन फ्रॉम कालका। बिंटा सर ने तो बहुत वे आर्टिस्ट के नाल रिकॉर्डिंग्स करते हैं, स्टूडियो के रिकॉर्डिंग ज़्यादा करते हैं, लाइव शोज़ के इस तरह
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਸਰ ਲਵਲੀ ਸਰ ਆਡੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਰਵਨੀਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਨਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੜਗਾਓਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਇਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੁਪਾਲ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਨੈਨੀ ਸੁਨੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਨੈਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਡੋਲੀ ਗਲੇਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਜਨ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ